आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में पूरी तरह फॉर्म में चल रही भारतीय टीम आसानी से सेमीफाइनल में जगह बनाती दिख रही है। इधर पाकिस्तानी टीम के पिछले मैचों में प्रदर्शन के बाद कयास लगाया जा रहा है कि ये भी अंतिम चार की रेस में जीत सकती है। लेकिन इधर पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज बासित अली के बेहद अजीबोगरीब बयान से चर्चा गर्म है। दरअसल बासित अली ने एक समाचार चैनल में यह कहकर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा डाली कि पाकिस्तानी टीम तो अपने मैच जीत जाएगी, लेकिन उसे खतरा टीम इंडिया से है जो बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ जानबूझकर खराब खेलेगी और मैच हार जाएगी। वहीं बासित अली ने इशारों इशारों में यहां तक कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया ने जानबूझकर टीम इंडिया से मैच गंवाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 1992 में वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम जानबूझकर पाकिस्तान से सेमीफाइनल मैच हार गई थी। बासित अली के बयान से सभी हैरान हो गए, यहां तक कि चैनल के एंकर और चैनल में बैठे मेहमान भी अचंभित थे। बता दें, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को अभी बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मैच खेलना बाकी है। हालांकि इसके साथ साथ उसकी नज़र भारत पर भी होगी, जिसे अपने बचे हुए मैच वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंग्लैंड से खेलने हैं। अगर भारतीय टीम इंग्लैंड या बांग्लादेश से मैच गंवाती है तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का अरमान टूट सकता है। श्रीलंका के खिलाफ भी अगर टीम इंडिया मैच गंवाती है तो पाकिस्तान की सेमीफाइनल की राह कठिन हो सकती है। भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखते हुए लग रहा है कि उसका इन टीमों से हारना मुश्किल है। बासित अली का यह बयान बेहद चौंकाने वाला है और साथ में क्रिकेट प्रेमियों को निराश भी करता है। देखने वाली बात यह होगी कि उनके इस बयान की जांच आईसीसी कैसे करवाता है। अगर यह बात झूठी साबित हुई तो उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है। भारत के बाकी बचे मैचों को देखने के बाद यह तस्वीर ऑफ साफ हो जाएगी। वेब 23 न्यूज के लिए अक्षय की रिपोर्ट।